टेंथ का एक टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट। क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। लेकिन जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप लोग को क्लास इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, कंपटीशन में हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप क्लास इलेवेंथ में एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इक्विलिब्रियम के दो पार्ट है, एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएच स्केल, वहां पर लॉगरिथम का भी इस्तेमाल हुआ था। लॉग का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो उस वहां पे ट्रिक मैंने बताया है कैसे आप लॉग की वैल्यूज निकालेंगे। तो इसका इस्तेमाल क्लास टेंथ में भी है, जो नाम लेकर है, चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड साल्ट। इसका इस्तेमाल क्लास इलेवंथ में भी है पीएच निकालने में। पीएच हम एसिड बेस का और साल्ट का ही निकालते हैं, ठीक है, किसी और का निकालने नहीं जाते। और इसका इस्तेमाल जो आपका ट्वेल्थ में भी है। तो सारे बेसिक सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में कि एसिड बेस के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप इसे क्लास टेंथ का कह लीजिए, क्लास इलेवंथ का कह लीजिए, क्लास ट्वेल्थ का कह लीजिए, सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो आपका टॉपिक है एसिड बेस। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से, कैसे आप पहचानेंगे कोई चीज एसिड है या बेस है। अच्छा, हमारी सभ्यता का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, ठीक है। बहुत पहले हम लोग आग जलाना नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे हम आग जलाना सीखे। धीरे धीरे कोई भी चीज डेवलप होती है। पहले जो है वो वाला टेलीफोन होता था, पीएनटी वाला टेलीफोन होता था, कान में लगाते थे और उसमें तार लगा होता था, कहीं भी लेके नहीं जा सकते थे उसको। फिर धीरे धीरे मोबाइल का आविष्कार हो गया, चीज़ें डेवलप होती गई। पहले बड़ा बड़ा 100-100 वाट का बल्ब लगता था, अब देखिए 4 वाट का, 5 वाट का, 7 वाट का, छोटे छोटे CFL आ रहे हैं। तो हर चीज़ में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो एसिड और बेस को पहचानने के लिए भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। लेकिन बात आई सर इनिशियल स्टेज में, सबसे प्रारंभिक अवस्था में एसिड और बेस को कैसे पहचाना जाता था। तो इनिशियल स्टेज में हमारे पास क्या थे, लोग कहते हैं ना कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, कहते हैं ना। तो हम हर एक चीज को इन्हीं 5 इंद्रियों की मदद से पता लगाने की कोशिश करते थे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले के जमाने में सब हर एक तरह के कंपाउंड को लोग चखते थे और चख चख कर बताते थे कि ये एसिड है या बेस। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के ऊपर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया आपका टेस्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा आया, इसको आप एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, टेस्ट कॉन्सेप्ट। मैं आज के वीडियो में आपको क्या पढ़ा रहा हूं, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके जीवन में क्या आया, हमारे साइंस वर्ल्ड में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आया, टेस्ट। किसी चीज को चखे, अगर खट्टा लगा तो बोल दिए एसिड है, चखे अगर बिटर इन टेस्ट, फीका लगा तो बोल दिए बेस है। तो अगर आप कह सकते हैं कि सोर इन टेस्ट, सोर है तो आप बोल देंगे एसिड है, और अगर बिटर है तो आप क्या बोल देंगे, बेस है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल दीजिए, एसिड भाई घर में आपके नींबू होगा, लेमन, आप उसको चखते हैं, देखिए खट्टा लगता है। इस समय सीजन है, कच्चे आम है, लोगों घर में अचार वगैरह बन रहा होगा, तो कच्चा आम भी क्या हो गया, एसिड प्रॉपर्टीज के अंदर खाते हैं तो खट्टा लगता है। जो भी चीजें खाने पे आपको खट्टी लगे वो क्या हो गया, एसिड हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक से लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। बिटर इन टेस्ट बेस, जैसे कई लोग को दूध नहीं पीते हैं, कहते हैं बड़ा फीका लगता है, या चीनी डाल के पीते हैं, या हॉर्लिक्स डाल लेते हैं, कॉम्प्लान डाल लेते हैं, कहते हैं थोड़ा टेस्ट बदल जाता है, चॉकलेट पाउडर डाल के पी लेते हैं। लेकिन मिल्क कई लोगों को बिटर लगता है, मुझे तो नॉर्मल मिल्क भी अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कैसे लोग कहते हैं मिल्क बिटर लगता है। कि मिल्क क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे आपका ब्लड क्या है, ब्लड, तो ब्लड भी हमारा क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। ब्लड का पीएच होता है 7.2 से 7.4 के बीच में वेरी करता है, और आपको पता होगा 7 से अगर अधिक पीएच है तो क्या होगा, बेस होगा, और 7 से अगर पीएच कम है तो क्या होगा, एसिड होगा। अगले वीडियोस में जो लेके आऊंगा उसमें आपको यही पढ़ाऊंगा पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, क्यों पीएच स्केल पर 0 to 14 नंबर ही बने होते हैं, क्यों नहीं 16 नंबर होते हैं, भाई पीएच स्केल पे होते हैं ना 14 नंबर, और 7 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। अगर मैं एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछ लूं कि पीएच स्केल पे क्यों 16 नंबर नहीं होते हैं और 8 को न्यूट्रल बोल दिया जाए, क्या गलती है इसमें, क्या गलती है, जो 14 नंबर्स ही होते हैं, तो ये भी बताऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बोलिए टेस्ट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले के जमाने में लोग चख चख कर बताते थे कि एसिड है या बेस। अगर खट्टा लगा तो बोल दिए एसिड है, फीका लगा तो बोल दिए बेस है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मिल्क भी क्या हो गया, बेस हो गया, और ब्लड भी क्या हो गया, बेस हो गया। ब्लड को चखिएगा, देखिएगा, खून पीजिएगा, देखिएगा फीका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला कौन, लेकिन इस चक्कर में कई लोग चल बसे, कई बार भाई नेचर में हमको पॉइजन मिल जाता है, जहरीली पदार्थ होते हैं, लोग ये पता लगाने के चक्कर में कि एसिड है या बेस है उसको भी चख लिए, मर गए भाई। सब लोगों को पता चला ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, हर चीज को चखेंगे थोड़ी ना भाई, ठीक है, और चख के मर गए तो कौन फायदा हुआ ऐसे साइंस का, बचे ही नहीं देखने के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट की कमियों को दूर करने के लिए और मरने से बचने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया,
समय बीतने के बाद जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, हमारा साइंस आगे बढ़ता गया, एक नया कॉन्सेप्ट आया। और यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अरहीनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने। क्या नाम था? अरहीनियस। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं उनका नाम। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आया, अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो अरहीनियस, ARHE स्पेलिंग देख लेना, मुझसे गलती होती है। अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट आपका क्या आया? अरहीनियस का आया। ठीक है, सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट आपका क्या आया? अरहीनियस का आया। अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इन्होंने क्या कहा? ये कहे चखने की जरूरत नहीं है बच्चा, हर एक चीज को चख के नहीं बताना है कि एसिड है या बेस है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब भी किसी केमिकल कंपाउंड को पानी में घोलने पर, किसमें घोलने पर? पानी, पानी में घोलने पर अगर वो H+ आयन दे रहा है, कौन सा आयन दे रहा है? H+ आयन दे रहा है, जिसको के लोग हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। लेकिन H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन में फर्क होता है, वो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो अगर किसी कंपाउंड को पानी में घोलने पर वो H+ आयन दे रहा है तो वो एसिड होगा, अगर वो OH- आयन दे रहा है तो वो बेस होगा। पानी में घोलने पर या पिघलाने पर, आप कह सकते हैं पानी में एक्वस सॉल्यूशन में, आइदर इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, या तो पिघलाने पर या पानी में घोलने पर, अगर वो H+ आयन दे रहा है तो एसिड हुआ, अगर वो OH- आयन दे रहा है तो वो बेस हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, किसने बोला था? अरहीनियस ने बोला था। अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इन्होंने क्या बोला? इफ ए केमिकल कंपाउंड पॉज करके इसको लिख दे रहा हूं, देखिए, इफ ए केमिकल कंपाउंड गिव्स एच प्लस आयन आइदर इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड एसिड। अगर यहां OH कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इट्स कॉल्ड बेस। वो लिखूंगा नहीं, आपको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जानते हो ये क्या देता है? H+ देता है और क्या देता है? Cl- आयन देता है। अगर आप इसको जो है H2SO4 को लीजिए, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? वाटर। तो ये देगा 2H+ देगा और SO4 पे सल्फेट आयन पे -2 देगा। तो ये क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए बच्चा? ये दोनों क्या हो गए? एसिड हो गए। क्या हो गए? एसिड हो गए। तो ये एसिड की डेफिनेशन है जो अरहीनियस ने बताई थी। अरहीनियस ने जो बताई थी ये एसिड की डेफिनेशन हो गई, अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब अगर मैं इसी को, इसी H+ को क्या कर दूं? OH- कर दूं। क्या कर दूं? OH- कर दूं। तो खटाक से आपका क्या बन जाएगा? इट्स कॉल्ड एसिड की जगह क्या हो जाएगा? इट्स कॉल्ड एसिड की जगह हो जाएगा आपका बेस। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? खट से बदल जाएंगे। तो याद रखिए, इफ ए केमिकल कंपाउंड गिव्स OH- आयन आइदर इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, या तो पिघलाने पर या तो पानी में घुलने पर, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, then that is called base। जैसे example देख लो, जैसे NaOH है, NaOH को जब तुम water में dissolve करोगे तो ये क्या देगा? Na plus और OH minus ion, ये base हो गया। जैसे calcium hydroxide CaOH का whole twice water में dissolve करोगे क्या देगा? Ca पे plus 2 और दो ठोक OH minus देगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए? बोलो बच्चा, base हो गए। क्या हो गए? Base हो गए। तो सबसे पहला concept क्या आया? Taste। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया? अरहीनियस, चखने पर खट्टा लगा तो एसिड, फीका लगा तो बेस। अरहीनियस ने क्या कहा? पानी में घोलो, H+ दिया तो एसिड, OH- आयन दिया तो बेस। नोट कर लीजिए, आपका ये अरहीनियस भी खत्म हो गया है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर आपकी बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे कई कॉन्सेप्ट आए थे, सब बारी बारी बता रहा हूं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया सीरियल वाइज मैं आपको वैसे वैसे बताते जा रहा हूं। ठीक है, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में, चौथा भी इंपॉर्टेंट है लेकिन तीसरा लिखिए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी स्पेलिंग देख लेना, फिर से बोल रहा हूं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी LORY साइड है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तीसरा कॉन्सेप्ट आया। टेस्ट के बाद अरहीनियस आया, अरहीनियस के बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी आया। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा वो तो बाद में बताऊंगा, पहले उनकी कही गई बात को मैं अपने शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरा ये मानना है, शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे घर में पैदा हो गए हैं फिर भी अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो आप महान नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही गरीब फैमिली में, बहुत पुअर फैमिली में या बेकार फैमिली में पैदा हो गए, जैसे प्रहलाद देखिए राक्षस के घर में पैदा हुआ था लेकिन महान हो गया इतिहास में। ठीक है, विभीषण देखिए रावण का भाई था लेकिन महान हो गया शास्त्रों में और इतिहास में। ठीक है, तो मतलब कर्म से इंसान अच्छा या बुरा होता है, जन्म से नहीं।
जैसे मैं ही, बहुत लोगों के लिए मैं भी बुरा हूं लेकिन बहुत लोगों के लिए मैं अच्छा भी हूं, ठीक है। अच्छा, एक इंसान जीवन भर अच्छा रहे कोई जरूरी नहीं है, एक इंसान जीवन भर बुरा रहे कोई जरूरी नहीं है। अंगुलीमाल डाकू को देखिए, बाद में चल के संत महात्मा बन गया, शुरू में वो बुरा था बाद में अच्छा हो गया। यानी समय के हिसाब से और पर्सन टू पर्सन आपकी अच्छाई और बुराई वैरी करती है। हो सकता है आप किसी के लिए अच्छे हों और किसी के लिए बुरे हों, हो सकता है आप मंडे को किसी के लिए अच्छे हों और ट्यूसडे को उसी के लिए आप बुरे हो जाएं। मंडे को कोई आपसे उधार मांगा 500 रुपये, आप दे दिए बड़े अच्छे हैं, ट्यूसडे को आप वापस मांगने लगे हमारा उधार हमको दो, आप बुरे हो गए, लगा पीठ पीछे गरियाने की भैया हमसे एक दिन 500 रुपये ले लिए, इक्के दिन उनको चैन नहीं पड़ा अगले दिन मांगने लगे। तो इंसान समय परिस्थिति और इंसान के हिसाब से अच्छा या बुरा होता है, अपने कर्म के हिसाब से अच्छा या बुरा होता है, ठीक है। ब्रॉस्टेड लॉरी ने यही कहा, ब्रॉस्टेड लॉरी ने यही कहा कि कोई भी कंपाउंड एसिड या बेस जन्म से नहीं होता है, वो अपने कर्म से होता है। अब बात है एसिड या बेस कौन सा कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, तो एसिड और बेस का कर्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई कंपाउंड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई कंपाउंड अपना कर्म करे और उसका कर्म क्या है, केमिकल रिएक्शन। इफ ए कंपाउंड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन गिव्स एच प्लस आयन, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई कंपाउंड एच प्लस आयन दे रहा, पानी में डुबोने की जरूरत नहीं है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई कंपाउंड एच प्लस आयन दे रहा, देन दैट कंपाउंड इज सेड टू बी एसिड, तो कंपाउंड एसिड होगा। और जो उसे एच प्लस को ले रहा है, दैट कंपाउंड इज सेड टू बी बेस। मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों है, एसिड भी और बेस भी, जो एच प्लस दे रहा है वो एसिड और जो एच प्लस ले रहा है वो बेस। देखिए कितना शानदार होता है, जन्म नहीं कर्म, और कर्म क्या है, केमिकल रिएक्शन। द ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इफ ए कंपाउंड गिव्स एच प्लस आयन नोन एज एसिड एंड इफ ए कंपाउंड एंड द कंपाउंड विच टेक्स एच प्लस आयन नोन एज बेस। इन्होंने ओ एच माइनस आयन की बात ही नहीं की है, ये कहे एच प्लस से ही काम हो जाएगा, मैंने H प्लस तुमको दिया तो मैं एसिड हो गया और तुम क्या हो गए, बेस हो गए। जो H प्लस दिया एसिड, H प्लस डोनर इज एसिड एंड H प्लस एक्सेप्टर इज बेस ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, जो भी मैं बोला हूं, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है, इफ ए कंपाउंड गिव्स H प्लस आयन ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड एंड द कंपाउंड विच टेक्स H प्लस आयन इज कॉल्ड बेस। तो एसिड बेस, एच प्लस डोनर एसिड, एच प्लस एक्सेप्टर बेस, एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर कर लेना। टेस्ट वाला बता दिया, अर्हिनियस पानी में डुबो डुबो बताए थे, और एच प्लस और ओ एच दोनों की बात किए थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी केवल एच प्लस की बात की, ओ एच की बतिए नहीं किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी करना है, ठीक है, आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल्स में आता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया HCl plus H2O gives, आपको पता है जब इन दोनों में रिएक्शन कराओ, रिएक्शन करा रहा हूं, पानी में डिजॉल्व नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन करा रहा हूं, जब रिएक्शन कराओगे तो बनता है H3O plus और Cl minus, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अच्छा क्यों बताओ, इधर तो देखना ही नहीं है, तो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट को देखिए ध्यान से, ये बताइए इन दोनों में कौन H+ आयन दे रहा है, ये देखो HCl था और यहाँ खाली Cl बचा, मतलब इसका H+ गया, यानी ये दे रहा है, जो H केमिकल रिएक्शन के दौरान जो H+ दे रहा है वही तो एसिड है, ये एसिड है भाई, ए ए माने एसिड। अच्छा उस H+ को कौन ले रहा है, देखो H2O था और इधर आके H3O हो गया, 3 हो गया, 2 से 3 हो गया, मतलब यही ले रहा है, तो जो ले रहा है वो क्या हो गया, बेस। ओहो, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान HCl ने एसिड, HCl ने H+ दिया तो एसिड, H2O ने H+ लिया तो बेस। अब तक आप पढ़ते तो पानी न्यूट्रल होता है, देखो केमिकल रिएक्शन में बेस हो गया, यही बात लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कही कि पानी को आप जन्म से ही कैसे कह दिए कि न्यूट्रल है, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर H+ ले लेगा तब तो वो बेस हो जाएगा, तो पानी न्यूट्रल नहीं है। आप बोलेंगे केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है उसके आधार पर आप बताएंगे, तो ये देखिए बेस हो गया। अब एक चीज और समझ लो लगे हाथों तुरंत, ये HCl H+ जैसे मेरे पास, मैंने बोला जिसके पास ये मार्कर होगा वो एसिड होगा, मेरे पास है, मैं एसिड हूं, अब ये मार्कर मैंने आपको दे दिया, अब मेरे पास नहीं है, देखिए हाथ खाली हो गया, अब मैं क्या हो गया, अब देने के बाद मैं क्या हो गया, बेस, तो क्या मेरे पास मार्कर नहीं। अच्छा ये H+ जब तक इसके पास था ये एसिड था, देने के बाद इसको दे दिया, देने के बाद क्या बचा, Cl-, तो कोई तुमसे पूछे बताओ ये क्या है, एसिड की बेस, तो उल्टा बोलोगे, क्या बोलोगे, बेस। अच्छा ये H2O क्या था, ये H+ इससे लिया तो बेस हो गया, और जब ले लिया तो अब खुद क्या हो गया, एसिड, तो ये क्या हो गया, एसिड।
तो दोनों साइड आप लिख सकते हैं। और एक चीज और जान जाओ, इधर का एसिड और उधर का बेस, उसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, अगर कोई तुमसे बोले कंजुगेट, एक वर्ड आता है कंजुगेट, 11th और 12th के बच्चे बहुत ध्यान देंगे, 10th के बच्चे इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना चाहे पढ़ लें। कंजुगेट एसिड बेस पेयर नंबर वन, पेयर नंबर वन, कंजुगेट एसिड बेस पेयर नंबर वन। अच्छा, पेयर क्या, इधर का एसिड उधर का बेस, तो या इधर का बेस उधर का एसिड, कुछ भी, इधर का एसिड HCl और उधर का बेस Cl- है, तो HCl और कॉमा Cl-। अब पेयर नंबर दो बताइए, पेयर नंबर दो क्या है, H2O और H2O और H3O+। तो कभी कभी रिएक्शन पूछता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताइए, तो पेयर वन आपका इधर का एसिड उधर का बेस, इधर का बेस इधर का एसिड, उसी का पेयरिंग कर देंगे। आप ऐसे समझिए ना कि HCl एसिड था, H+ देने के बाद क्या बचा, Cl, तो HCl और Cl एक पेयर हो गए। अच्छा, H2O बेस था, H+ लेने के बाद क्या बना, H3O+, तो H2O और H3O+ एक पेयर हो गए। नोट करिए, बड़ा ही बेहतरीन सा एग्जांपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप। अब देखो, इसी को मैं खाली इसको मिटाता हूं, अब एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ठीक है। लिख दिया गया ऐसे NH3 और प्लस H2O, अमोनिया और पानी, ये क्या बनाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस। ओ माई गॉड, जरा ध्यान से देखो कौन H+ दे रहा है, देखो जरा, ये H2O था, एक H निकल गया, तो एक H बचा, एक O बचा, ओहो यही दे रहा है, जो H+ दे रहा है वो एसिड हो गया, ये एसिड हो गया, और ये तो NH3 से NH4 हो गया, तीन से चार हो गया, मतलब ये लिया है, ये बेस हो गया। ये देखिए ऊपर, अच्छा ये तो ये कंजुगेट भी क्लियर कर दें, इसका कंजुगेट क्या होगा, NH4+, तो अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, एसिड, और इसका कंजुगेट क्या होगा, OH-। H2O से H+ दे दिया, जब दे दिया तो जो बचा वो बेस हो गया, ये एसिड था तो वो बेस। अब इधर का बेस, ये दोनों एक पेयर हो गए, ये दोनों एक पेयर हो गए, कॉन्जुगेट पेयर, और ये दोनों भी एक पेयर हो गए, ये दोनों भी आपके एक पेयर हो गए, कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, एक चीज देखो, ऊपर वाले रिएक्शन में पानी बेस है और नीचे वाले रिएक्शन में पानी एसिड है, और नॉर्मली हम लोग कहते हैं पानी न्यूट्रल, ओ माय गॉड, हर पानी की सारी अवस्थाएं डिफाइन हो गई। कैसे डिफाइन हुई, ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। यही बात ब्रॉन्स्टेड लॉरी की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एक कर्म के आधार पर पानी डिसाइड होगा एसिड है बेस या न्यूट्रल, कोई कर्म नहीं कर रहा, बल्टिंग भर के बैठा हुआ है, देन दैट इज न्यूट्रल, रिएक्शन कर रहा है, H+ दे रहा है तो एसिड, और ले रहा है तो बेस, ये देखिए यहां पर ले रहा है तो बेस, यहां दे रहा है तो एसिड, और कंजुगेट बताई थी, इधर का एसिड उधर का बेस, इधर का बेस उधर का एसिड, अमोनिया बेस था क्योंकि H+ ले रहा था, और लेने के बाद जो बना वो एसिड हो गया, क्योंकि अब H+ के पास है, जिसके पास H+ होगा वही एसिड होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि ऐसे वाटर सोर्स, वाटर सोर्स एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर एक्सप्लेन, या वाई, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वाटर सोर्स एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी, और उभय माने होता है दो, और धर्मी माने धर्म, एम्फोटेरिक का मतलब होता है दो धर्मों को मानने वाला, जो दोनों धर्म मानता है, अम्ल का भी धर्म और क्षार का भी धर्म, एसिड का भी धर्म और बेस का भी धर्म, जो एसिड और बेस दोनों धर्म को मानता हो, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। इसका आंसर यही है, मैं पहले आंसर ही लिख दिया हूं, ये देखिए ये आंसर है, आप ये दोनों रिएक्शन लिख के दिखाएंगे, ये देखिए, इन द अबव रिएक्शन वाटर इज बेस एंड इन द सेकेंड रिएक्शन वाटर इज एसिड, वाटर शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर बोथ ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, हेंस वी कैन से दैट वाटर शोज एम्फोटेरिक नेचर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, तो कोई दिक्कत, ब्रॉन्स्टेड लॉरी दिमाग में कुछ भेजा, में कुछ घुसे, अभी एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ये तो दोनों इसके आंसर हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल और देख लीजिए भाई, जैसे मान लो लिख दिया गया HCl और प्लस अमोनिया, पानी अब की लिया ही नहीं है, बन गया NH4+ और Cl-। चलो बताओ, ये एच सी एल है, देखो एच प्लस दे रहा है, तो सी एल माइनस बचा, तो ये क्या हो गया, एसिड, और ये एच प्लस लेके फोर हो गया, थ्री से फोर हो गया, तो ये क्या हो गया, बेस।
अच्छा ये जब लेके ये बनाया तो ये क्या हो गया एसिड, और ये जब दे दिया तो सीएल बचा तो ये क्या हो गया बेस, तो ये दोनों क्या हो गया पेयर वन, कंजुगेट एसिड बेस पेयर की बात हो रही है, और ये दोनों क्या हो गया पेयर नंबर टू। ऐसे याद रखना बड़ा आसान है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आसान समझ लो, इधर का एसिड उधर का बेस, और इधर का बेस उधर का एसिड, पेयर वन पेयर टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो तीन एग्जाम्पल दे दिया, मेरे ख्याल से ये सफिशियंट है, आपको क्लियर हो गया होगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी का पूरा कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। पहला क्या था टेस्ट, दूसरा क्या था अर्हीनियस पानी में डुबो दिए थे, तीसरा क्या था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कर्म के आधार पर, चौथा, अच्छा आपको पता है हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो हम लोग जब भी कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर जगह पढ़ते होंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़े हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक टेबल भी पढ़े हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हर जगह मॉडर्न कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा आपको पता है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होता है, किस पर बेस्ड होता है, हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। मॉडर्न कॉन्सेप्ट हर चीज का हमारा इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होता है, तो एसिड और बेस का एक कॉन्सेप्ट। और अच्छा एक चीज और बता दें आपको, ये बताने के पहले ये तो अगर तुमसे कोई पूछे, अभी मैं छोड़ दीजिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट छोड़ दूँ ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे एच, एच का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी 1, कोई पूछे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन है 1, कितना प्रोटॉन है 1 और कितना न्यूट्रॉन है तो 1 में से 1 घटा दो 0, मास नंबर में से नीचे वाला घटा देते हैं तो जो बचता है वही न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और जो नीचे होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ये क्लियर है, ये तो बहुत नाइन कई वीडियो मैंने अपने खुद के बताया है। अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा चार्ज प्लस, अब इसमें बचा क्या, एक ही तो इलेक्ट्रॉन था निकल गया तो क्या बचा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, ओहो यानी एच प्लस बराबर एक प्रोटॉन, एच प्लस बराबर एक प्रोटॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो न्यूट्रॉन, एच प्लस बराबर एक प्रोटॉन, मतलब एच प्लस बराबर एक प्रोटॉन। अच्छा तो अभी ब्रॉन्स्टेड लॉरी पढ़ा रहे थे ना, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में क्या बोले थे, जो एच प्लस देगा वो एसिड और जो लेगा वो बेस, उसी को थोड़ा और मॉडिफाइड डेफिनेशन करिए, प्रोटॉन डोनर इज ऑलवेज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज ऑलवेज बेस, H plus मतलब प्रोटॉन, तो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन डोनर इज एसिड, नोट करो बोल रहे हैं ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस, ये नाइन भी उसी ब्रॉन्स्टेड लॉरी में नोट कर लीजिए ठीक है। अब आते हैं अपने मॉडर्न कॉन्सेप्ट की ओर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है बच्चा बताओ, किस पर बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉन पर, अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी किस पर बेस्ड है प्रोटॉन पर ठीक है, और मॉडर्न किस पे बेस्ड होगा इलेक्ट्रॉन पर। तो देखिए इसी का जस्ट उल्टा, एक साथ सुन लीजिए भाई, पहला ब्रॉन्स्टेड लॉरी और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट उसी को बोलते हैं लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और लेविस एक साथ बता रहा हूं, प्रोटॉन डोनर क्या था एसिड था, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या था बेस था, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या था बेस था। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा ये मॉडर्न किस पर बेस्ड है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पेयर एक वर्ड आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, उल्टा उल्टा करना है कि डोनर, यहां प्रोटॉन डोनर एसिड था तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होगा बेस होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होगा, स्पेलिंग भाई चेक कर लेना भाई, बहुत गलती होती है उनसे, एक्सेप्टर क्या होगा एसिड होगा। समझ में आया कुछ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा प्रोटॉन डोनर एसिड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेविस ने क्या कहा, इसी को मॉडर्न भी आप नाम दीजिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस होगा, बेस उल्टा, ये एसिड बोले थे लेकिन प्रोटॉन डोनर को, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर को बेस बोलना है, ये भी डोनर बस यहां एसिड और यहां बेस, उल्टा प्रोटॉन दे रहा है तो एसिड, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बेस, प्रोटॉन ले रहा है तो बेस और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एसिड ठीक है। अच्छा इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट है लेविस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ठीक है, ये तो मैंने कंपेयर करने के लिए दोनों एक साथ लिख दिया, तो पहला टेस्ट, दूसरा अर्हीनियस, तीसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी और चौथा लेविस।
लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इसको थोड़ा सा समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू, सबसे लास्ट वाले को। जैसे मान लो मैंने लिख दिया H3, 10th 9th 10th के बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, मैं एक स्ट्रक्चर का भी वीडियो डालूंगा तो देख लेंगे। अमोनिया का स्ट्रक्चर ये होता है और एक लोन पेयर बचा होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और 5 में से 3 शेयर कर लेता है, 5 3 8, और 2 बच जाता है। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का बच जाता है, जो बॉन्ड नहीं बनाता, उसी को बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो ये आपका लोन पेयर है। और यहां देखो मैंने दिया BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये अमोनिया था, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। और वो 3 शेयर कर लिया, देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 × 6, बताओ इसका ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं। 8 पूरा करने के लिए कितना और चाहिए? 2 और चाहिए। तो ये देखो इसके पास एक्स्ट्रा पेयर है और इसके पास कमी है, तो ये अपना पेयर इसको दे देगा। ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ये पेयर ऐसे देता है कि ये पेयर इसके पास दे रहे हैं और इसके पास दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम से दे देगा तो ये कम हो जाएगा ना, तो ये पेयर इसको दे दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होता है? बेस। तो ये बेस हो गया और ये लिया, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। तो ये एसिड हो गया और ये आपका बेस हो गया। एक ही एग्जाम्पल है, दोनों आपको समझा दिए। तो जिनके पास लोन पेयर होगा, क्या होगा? लोन पेयर, वो क्या होंगे? बेस होंगे। और जिनके पास कमी होगी, 8 से कम होगा और वो इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो ये आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट था, क्या? लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अगर आप क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th में केवल पहला वाला कॉन्सेप्ट है टेस्ट, लेकिन फिर भी मैं 9th और 10th के बच्चों को भी ये चारों बताता हूं। दिक्कत 9th 10th में यहीं पे आके होती है, सर ये क्या है, स्ट्रक्चर है, ये भी हम लोग बनाना जानते हैं, तो यहां मामला फंस जाता है थोड़ा सा आके, लेकिन कोई बात। 11th 12th में तो ये पूरा है ही, तो इसको बहुत ही बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा चारों के चारों कॉन्सेप्ट का। तो चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कोई दिक्कत। अब इसके आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, इंडिकेटर पढ़ाएंगे। अभी मैं बेसिकली क्लास 10th के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है, जैसे इस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट, तो उसका जो पहला वीडियो है ये सबके लिए है, सारे क्लास के सभी तरह के बच्चों के लिए है। इसके बाद मैं खाली 10th के सिलेबस पे आ जाऊंगा, जो इसी चैप्टर के और वीडियोज बनेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।